हेलो फ्रेंड्स मैं सुषमा कुहाड़ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्केल बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन लेडीज़ हाफ जैकेट गर्ल्स टॉप फ्रॉक कुर्ती इन सभी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है इस डिजाइन को आप एज ए बॉर्डर या ऑल प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई कर सकती हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 21 के मल्टीपल फंदे लेकर चार फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 21 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 21 फंदे गिन लीजिए यानी 21 फिर से 21 फंदे गिनिए फिर से 21 फिर से 21 इस तरह से बार बार 21 21 यानी 21 21 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके चार फंदे होने चाहिए ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और चौदह सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है तो फंदे डालने के बाद पहली सिलाई से ही हम इस डिजाइन को शुरू करेंगे तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं फोर्टी सिक्स यानी छियालीस फंदे इक्कीस के मल्टीपल करके और चार फंदे एक्स्ट्रा इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने फंदे इस तरह से हल्के से लूज डाल लीजिए टाइट नहीं होने चाहिए ताकि जब इसका ये कटाव बने तो एकदम इसमें जो है फिनिशिंग आए तो 46 फंदे डाल के अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और ये इसकी सीधी साइड है तो यहाँ पर पहली सिलाई को हम सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से देखिए उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए तो मैं ये बहुत ही आसान सिलाई है इसकी पहली सिलाई इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स पहली सिलाई हमारे डिजाइन की सीधी साइड से हमने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हमारी पूरी सीधी बुनी जाएगी तो पहला फंदा हमारा एजस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है अब हम धागा पीछे करेंगे और सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे तो देखिए धागा आपने ऐसे पीछे रखना है और सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देना है ये हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई है इसे आप सीधा सीधा बनाइए तो ये देख लीजिए दूसरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है लास्ट का फंदा मेरा एडस्टिच है इसको मैंने उल्टा ही बुना है यहाँ आप देख लीजिए आप स्लिप करोगे या उल्टा बुनोगे दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई तीसरी सिलाई सीधी साइड पर तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बुनी जाएगी तो पूरी सिलाई को आप इस तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए तो मैं इसकी तीसरी सिलाई को उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए तीसरी सिलाई सीधी साइड से हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर चौथी सिलाई इसकी ठीक दूसरी सिलाई के जैसे बुनी जाएगी तो पहला फंदा हमारा एजस्टिज उसके बाद धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे तो आप चौथी सिलाई को सीधा सीधा बना दीजिए तो ये देख लिए इस तरह से हमारी ये चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब आज ये इसकी पाँचवीं सिलाई और सीधी साइड पर पाँचवीं सिलाई पर ये जो पार्ट हमने बनाए हुए हैं अब इनको बनाएंगे तो पाँचवीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बुनी जाएगी पहला फंदा एजस्टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए अब हम धागा पीछे करेंगे एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर हम धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे एक फंदा सीधा हमें यहाँ पर ये इस तरह से इक्कीस फंदे बनाने हैं हम अपने फंदों को गिन लेंगे ये दो फंदे देखिए पहला एजस्टिज फिर एक सीधा इस जाली को छोड़ देंगे ये एक सीधा एक फिर तीन उल्टे हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह फंदे हमारे बुने गए अब धागा अपनी तरफ करेंगे तीन उल्टे देखिए एक दो और ये तीन तो सत्रह और तीन बीस अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा तो ये देखिए ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर धागा अपनी तरफ करके हमने फिर ये जो फंदे बनाए ये हमारे इक्कीस हो गए अब इसी डिज़ाइन को हमें बार बार रिपीट करना है तो देखिए धागा अपनी तरफ कर लीजिए एक फंदा हम यहाँ सीधा बनाएंगे देखिए धागा अपनी तरफ है जाली आ जाएगी धागा अपनी तरफ करके बनाने से एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर से धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ लेकर आइए एक दो और ये तीन फंदे आप उल्टे बनाइए फिर धागा पीछे कर दीजिए और एक फंदा आप सीधा बनाइए फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए एक दो और ये तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक दो और ये तीन फिर धागा पीछे और एक फंदा ये सीधा यहाँ तक हमारे फिर से इक्कीस फंदे बुने गए आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही आप इक्कीस इक्कीस फंदे का डिजाइन बनाते जाइए अब जैसे आपके आगे और फंदे होंगे धागा अपनी तरफ करके फिर एक सीधा तीन उल्टे एक सीधा ऐसे करके इक्कीस बनाइए ऐसे बुनते हुए जब आप लास्ट में आएंगी तो देखिए यहाँ इक्कीस फंदे का डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके दो फंदे बचेंगे तो यहाँ पाँचवीं सिलाई पर आपको जाली नहीं डालनी है लास्ट में यहाँ बीच में आपकी जाली आती जाएगी शुरू में भी आएगी लेकिन जब आपका डिजाइन लास्ट में आ जाएगा तो ऐसे यहाँ 21 फंदे पूरे करने के बाद ये जो दो फंदे बचेंगे इसमें से एक को आप सीधा बना दीजिए और एजस्टीज को उल्टा बुन लीजिए तो हमारे डिजाइन की पाँचवीं सिलाई कंप्लीट हो गई छठी सिलाई उल्टी साइड पर अब जो फंदे इधर उल्टे बुने वो इधर सीधे हो जाएंगे जो इधर सीधा फंदा बुना गया है वो इधर उल्टा हो जाएगा जो हमारी जाली आई है वो भी उल्टी बुनी जाएंगी तो इस सिलाई को आप देखिए पहला फंदा एजस्टिच हो गया अब देखिए ये वाला भी उल्टा और ये भी तो स्टार्टिंग में हमारे ये तीन फंदे आ गए अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक दो ये तीन फंदे यहाँ सीधे दिख रहे तो इनको सीधा बनाएंगे अब ये यहाँ पे नोट सी लगी हुई मिलेगी क्योंकि इधर से फंदा सीधा है तो धागा अपनी तरफ करके इसको हम उल्टा बुन देंगे फिर धागा पीछे तीन सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक दो और ये तीन फंदे सीधे अब आपने पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनते हुए जाना है जो फंदे आपको सीधे दिखाई दें वो आप सीधे बना दीजिए जो बीच बीच में आपका एक एक फंदा उल्टा आ रहा है उनको उल्टा बनाइए ये बहुत ही आसानी से आपको इस सिलाई पर दिखाई देंगे और यहाँ पर देखिए ये फंदा हमारा उल्टा है ये जाली जो है इसको भी हम उल्टा बुन लेंगे फिर इधर भी हमारा उल्टा फंदा है तो इस तरह से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा हमें बनाना है फिर धागा पीछे एक दो तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे एक दो और ये तीन फंदे हमारे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे तीन सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से हम धागा पीछे कर लेंगे और ये तीन फंदे सीधे बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा ऐसे करते हुए आपने इसकी छठी सिलाई को कंप्लीट कर देना है और यहाँ लास्ट में देखिए हमारे ये एक फंदा जो इधर से हमारा सीधा था ये उल्टा आ गया ये जाली भी हमारी उल्टी आ गई फिर ये फंदा भी हमारा सीधी साइड से सीधा है तो ये भी हो गया उल्टा और एजस्टीज भी लास्ट में हमारे चार आ गए अब आ जाइए आप इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर सातवीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक और ये जो जाली से फंदा बना दो इन दोनों फंदों को हम सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये सीधा फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन फिर धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ तीन फंदे ये उल्टे धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ तीन उल्टे क्योंकि अब हमारे जो सीधे उल्टे हैं ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं तो सीधे पर हमें सीधा बनाना है और उल्टे पर हमें उल्टा बनाना है और ये देखिए जो हमारी जाली है ये हमें कंटिन्यू करनी है इनको ध्यान से देखते जाइए तो एक सीधा तीन उल्टे फिर धागा पीछे एक सीधा तो ये देखिए यहाँ तक हमारा ये एक डिज़ाइन बना अब हमारी ये जाली आ गई है इस जाली के इधर भी जाली आएगी और इधर भी जाली आएगी यानी बीच बीच में हमारे जितने भी पार्ट आएंगे इसमें हमारी अब दो दो जालियाँ आएंगी तो देखिए धागा आप इस तरह से अपनी तरफ कर लीजिए और इस जाली को आप सीधा बना दीजिए तो एक जाली इधर आ गई फिर आप धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ से हम नेक्स्ट वाले डिजाइन को शुरू करेंगे तो एक जाली हमारी इधर आ गई तो यानी बीच में हमारी डबल जाली आई है इधर हमने एक ही जाली डाली है कोने पर फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो तीन फंदे उल्टे एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ और तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे एक फंदा ये सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक दो तीन उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और ये तीन फिर हम धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक दो और ये तीन उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा यहाँ तक हमारा फिर से 21 फंदे का डिजाइन बन गया बीच में आपके जितने भी ये पार्ट आएंगे आपकी दो दो जाली बनती जाएंगी जैसे मैंने यहाँ पर बना कर दिखाई जब आप इसके यहाँ लास्ट में आएंगी तो देखिए इस सातवीं सिलाई पर हमें यहाँ पर जाली डालनी है धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम यहाँ सीधा बना देंगे तो इधर हमारी ये एक जाली आ गई लास्ट का फंदा हमारा एजस्टिज है तो सात सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई आठवीं सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे वैसे ही इनको बुनते हुए जाना है जाली से हमारे जो फंदे बढ़ रहे हैं वो हमारे उल्टे बुने जाएंगे बाकी आप देख सकते हो सीधे उल्टे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। तो आप इसकी आठवीं सिलाई को सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाइए थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ देखिए एक दो तीन और ये चार स्टार्टिंग में हमारे ये चार फंदे उल्टे आए हैं धागा पीछे एक दो और फिर ये तीन सीधे धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर तीन सीधे ऐसे करते हुए आप इसकी आठवीं सिलाई को बना दीजिए तीन सीधे के बाद एक उल्टा आएगा फिर तीन सीधे एक उल्टा बीच में हमारे ये जो फंदे जाली वाले हों ये सब उल्टे हो जाएंगे तो मैं आठवीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए आठवीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा अब आ जाइए इसकी नौवीं सिलाई और सीधी साइड पर नौवीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ दो फंदे हम सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम यहाँ सीधा बना देंगे तो देखिए एक जाली आ गई अब फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे पलट देंगे धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से हम दो का एक फंदा बना देंगे तो यहाँ पर हमारी अब की बार दो जाली आई है अब ये जो बीच में फंदे हैं ना ये हमें कम करने हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बना देंगे फिर धागा पीछे ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे सभी पार्ट में से हमें एक एक फंदा घटाना है धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे अब ये उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक तो देखिए इन सभी पार्ट में से हमारा जो पार्ट बने हुए हैं एक एक फंदा कम हो रहा है धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और ये हमारे डिजाइन का इक्कीसवा फंदा होता है ये हमारा सीधा तो सभी पार्ट्स में से एक, एक फंदा कम हो गया है क्योंकि इस डिजाइन में जाली से हम जो फंदे बढ़ाते हैं वो यहाँ बीच में से कम होंगे अब यहाँ जो बीच में हमारी जाली हैं यहाँ अब नौवीं सिलाई पर हमारी चार जालियाँ आएंगी यहाँ स्टार्टिंग में दो आई हैं बीच बीच में जितने पार्ट होंगे वहाँ चार चार जाली आएंगे। तो धागा अपनी तरफ करके देखिए एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो दो जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया तो तीन जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे ये सीधा और ये उल्टा बैक साइड से दो फंदे में सिलाई डाल लेंगे धागा अपनी तरफ दो का एक कर देंगे तो चौथी जाली हमारी यहाँ आ गई अब फिर से देखिए धागा अपनी तरफ ये दो फंदे अब उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे तो यहाँ हमारे इन सभी पार्ट्स में से अब एक एक फंदा कम हो रहा है फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे अब ये एक फंदा यहाँ सीधा अब देखिए यहाँ लास्ट में भी हमारी दो जाली आएंगी बीच बीच में चार जाली और दोनों साइड पर दो दो जाली तो धागा अपनी तरफ करके इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे तो एक जाली और आ गई एजस्टिज को अब हम उल्टा बुन देंगे तो नौवीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई दसवीं सिलाई उल्टी साइड पर यहाँ पर आपको जो फंदे जैसे दिखाई दें वैसे ही बना दीजिए क्योंकि यहाँ उल्टे और सीधे फंदे आपको क्लियर नज़र आते दिखेंगे तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए मैं इसकी दसवीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ तो ये देख लीजिए दस सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब इसकी ग्यारहवीं सिलाई है और सीधी साइड तो ग्यारहवीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखें कि कैसे बनाएंगे पहला फंदा एजस्टिच है इसे उतारिए या उल्टा बनाइए अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ दो फंदे सीधे बनाएंगे अब हमें यहाँ पर चार जालियाँ डालनी हैं तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाया एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो दो जाली आ गई धागा अपनी तरफ करेंगे तीसरा फंदा सीधा बनाया तो तीन जाली आ गई अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे ये सीधा और ये उल्टा बैक साइड से धागा अपनी तरफ करके दो का एक कर देंगे तो यहाँ दो का एक भी हो गया है और इधर हमारी चौथी जाली भी आ गई अब धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा फिर धागा पीछे फिर से इन सभी पार्ट्स में से हमारे फंदे कम होंगे तो इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को पलट देंगे सीधे वाले को और बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे सीधे वाले फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और ये हमारा सीधा अब देखिए बीच में ये जो हमारी जालियाँ बन रही हैं अब की बार ग्यारहवीं सिलाई पर हमारी आठ जालियाँ आएंगी तो ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाया एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया दो जाली हो गई धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तीन जाली फिर धागा अपनी तरफ करके देखिए सीधा फंदा बनाया चार जाली धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाया पाँच जाली फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा बनाया छः जाली फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो सात जाली आ गई अब धागे को अपनी तरफ कर देंगे इस फंदे को हम सीधे वाले को ऐसे पलटेंगे ये सीधा और ये उल्टा बैक साइड से हम दो का एक बनाएंगे तो देखिए यहाँ हमारा फंदा भी कम हुआ और आठ में जाली भी आ गई अब फिर से इन सभी पार्ट्स में से हमारा एक एक फंदा कम होगा तो एक उल्टा हो गया धागा पीछे और ये जो सीधे वाला फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे। इस एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे सीधे फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक फंदा ये सीधा है इसको पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फिर एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा बीच बीच में जितने भी आपके ये जाली डिजाइन आएंगे इस तरह से सभी में आठ आठ जालियाँ आएंगी, जैसे मैंने यहाँ बना कर दिखाई हैं जब आप लास्ट में आओगे तो यहाँ आपकी चार जालियाँ आएंगी। तो धागा अपनी तरफ करके देखिए एक फंदा सीधा बनाया तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाया तो दो जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा सीधा बनाया तो तीन जाली धागा अपनी तरफ करके चौथा फंदा सीधा बनाया तो चार जाली और लास्ट का हमारा स्टिच है इसे हम उल्टा बुन देंगे तो ये हमारे डिजाइन की ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट हो गई बारहवीं सिलाई उल्टी साइड से आपको जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए जो आपको उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाकर कर बारहवीं सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए तो ये देखिए मैंने इसकी बारहवीं सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा अब आ जाइए इसकी तेरहवीं सिलाई और सीधी साइड पर तेरहवीं सिलाई पर जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही यहाँ पर वापस हो जाएंगे अब ध्यान से देखिएगा तेरहवीं सिलाई कैसे बुनी जाएगी पहला फंदा स्टिच है उतारिए या उल्टा बनाइए धागा पीछे करेंगे देखिए धागा स्टिच के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ स्टिच के बाद हमने नौ फंदे सीधे बनाए हैं तो टोटल हो गए हमारे दस स्टिच को मिलाकर अब देखिए हमें यहाँ कोई जाली नहीं डालनी है इस फंदे को हम ऐसे पलट के सीधा करेंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर इस फंदे को ऐसे पलट के हम सीधा करेंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे इस फंदे को फिर से हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक कर देंगे फिर इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे ये लास्ट वाला जो फली वाला फंदा है इसको हम यहाँ सीधा ही बुन लेंगे तो देखिए जितने पार्ट थे सब में सिर्फ हमारे फली वाले फंदे बच गए हैं बीच में जो फंदे थे वो कम हो गए अब हम पंद्रह फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह तो ये पंद्रह फंदे हमारे देखे जाली से बड़े हैं ये ये हमने अब सीधे बना दिए अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे बैक साइड से हम दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे फिर से इस फंदे को पलटेंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे अब ये वाला जो फली का फंदा है इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे अब आगे जितने भी आपके पार्ट आए फिर पंद्रह फंदे सीधे बनाइए फिर सेम ऐसे ही इनको पलट के दो दो का एक एक करते जाइए और लास्ट में देखिए आपके फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फंदे सीधे बनाने के बाद ये हमारा लास्ट का एडजस्टिच हो गया है इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ तो हमारी तेरह सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई अब आ जाइए इसकी चौदहवी सिलाई और उल्टी साइड पर चौदहवीं सिलाई को कंप्लीट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे डबल पॉइंटेड जो हमारी गले की सिलाइयाँ होती हैं ये इसमें हमें चाहिए होगी तो आप एक सिलाई ये रख लीजिएगा अब देखिएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ अब देखिए ये जो हमारी फलियां हैं ना ये छह फली हैं इसके बीच की चार फलियों को हम बांध के ऐसे इकट्ठा करेंगे ऐसे इससे हमारा ये डिजाइन यहाँ पर फूल के जैसा बनेगा तो छह फलियों में से एक फली हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बुन लेंगे तो यानी टोटल हमने यहाँ पर अपने दस फंदे बना लिए देखिये दो चार छ आठ और ये दस फंदे इस तरह से उल्टे बुने अब हम अपनी ये गले वाली सिलाई लेंगे और इस पर चार फंदों को ऐसे उतार लेंगे देखिए एक दो तीन और ये चार तो एक फली हमारी इधर बच गई है इन चार फंदों को ऐसे लेकर ये जो धागा है देखिए ध्यान से देखते जाइए इसको आप ऐसे लपेटिएगा इन चारों फंदों के आगे देखिए ऐसे पीछे से लिया घुमाकर आगे की तरफ ले आई थोड़ा सा टाइट कर लीजिए एक बार हो गया फिर से ऐसे ही लेकर जाइएगा और यहाँ ले आइए दो बार घुमा दिया फिर धागे को लीजिए और इस सिलाई के आगे से ऐसे लाइए और यहाँ देखिए तीन बार हमने घुमाकर इन चारों फंदों को बांध दिया अब इन चारों फंदों को भी हम यहाँ उल्टा ही बुन लेंगे ये यह यहाँ बांधने से थोड़े टाइट हो गए हैं आप इनको ध्यान से गिन कर बनाइए यहाँ दो का एक नहीं होना चाहिए तो देखिए एक फंदा बन बुन दिया फिर ये देखिए दो और ये तीन और ये देखिए चार तो ये हमने लपेटे हुए फंदे बना लिए देखिए यहाँ हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया अब ये जो फली वाला फंदा है इसको भी हम उल्टा बुन देंगे अब ये बीच में देखिए जाली के बड़े हुए जो हमारे पंद्रह फंदे हैं इनको बनाएंगे उल्टा बुनना है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह अब देखिए ये पंद्रह फंदे बनाने के बाद ये जो हमारी छः फलियाँ हैं इन छः में से ये वाली इस फली को भी हम ऐसे यहाँ बुन लेंगे अब जो बीच की चार फलियाँ बच गई इन चारों फलियों को हम अपनी इस गले वाली सिलाई में उतार लेंगे ध्यान से देख लीजिए एक दो तीन और ये चार चारों फंदों को आप ऐसे ले लीजिएगा और ये वाला जो अब हमारा धागा है जिसे हम बुनाई कर रहे हैं यहाँ पीछे वाली साइड से ऐसे घुमाकर आगे वाली साइड से यहाँ पर ले आइए तो एक बार हो गया फिर हम पीछे से ले जाएंगे ऐसे घुमाकर आगे से ऐसे ले आएंगे दो बार हो गया फिर हम ऐसे करके और ये देखिए ऐसे लाएंगे और ये हमने तीन बार इन चार फंदों के ऊपर धागा लपेट दिया अब इन चारों फंदों को हम यहाँ उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए गिन के बनाइएगा थोड़े से टाइट हो जाते हैं लपेटने पर ये देख एक हो गया और ये दो ये हमारा तीन और ये चार तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला डिजाइन भी कंप्लीट हो गया जितने भी आपके ये डिजाइन बनते जाएंगे अब आपने ऐसे ही इनको बनाते जाना है और फिर लास्ट में देखिए ये एक तो हमारा ये फली वाला फंदा हो गया ये आगे जो बच के इनको भी हम उल्टा ही बुन देंगे तो हमारे डिजाइन की यहाँ पर ये चौदहवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है चौदह सिलाइयों का ये डिज़ाइन है इन्हीं चौदह चौदह सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना होता है ये देख लीजिए बनने के बाद आप इस आप इसे किसी भी कलर में बनाइए किसी भी तरह की ऊन में बनाइए सभी में ये बहुत ही सुंदर लगता है बहुत प्यारा लगता है अब इसकी जो हम नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करेंगे पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से सीधी सीधी बुनी जाएगी तीसरी सिलाई आ जाएगी सीधी साइड पर उसको हम उल्टा बुन देंगे चौथी सिलाई उल्टी तरफ उसको हम सीधा बुनेंगे पांचवी सिलाई पर जैसे मैंने ये जाली के साथ पार्ट बनाने इनको बताए इनको बताइए अगर आपको फिर भी डिजाइन को रिपीट करने में कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को आप बैक कर लीजिए और जहाँ हमने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू किया पहली सिलाई से इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यूज जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू